दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी रोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अब अगर बात करते हैं मेलबर्न स्टार वोमेंस और मेलबर्न रेनेगेड वोमेंस दोनों को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की कोई चांस नहीं है। मेलबर्न स्टार लगातार 2 विक्ट्री कराया, रेनेगेड को यहाँ पे इस सीजन में आखिरी बार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी बेस्ट बैटर हरमनप्रीत कौर पर भरोसा होगा। इस सीजन के स्टार्ट में जब दोनों टीमें मिली तो स्टार्स ने रेनेगेड को 4 रन से हराया। अब आगे यह है कि पॉइंट टेबल में सबसे लोअर टीम का मैच होगा। स्टार्स 10 पॉइंट के साथ केवल 4 अंकों के साथ सबसे निचले पोजीशन पर है। यह दोनों टीमों का लास्ट लीग मैच होगा, उनके पास प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का कोई चांस नहीं है। हालांकि उन्हें अभी भी खेलने का प्राउड है, वे सीजन का एंड शानदार तरीके से करना चाहेंगे। अब अगर बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की T20 क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है। इसमें बैटर्स और बॉलर दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। विकेट पर अच्छा बाउंस होगा, सिम मूवमेंट से बैटर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वहीं अगर बात करें वेदर रिपोर्ट, जहां पे मेलबर्न थोड़ा सा बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में रहेगा। अब अगर बात चलते हैं टॉस रिपोर्ट देखते हैं तो टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी, फिर टारगेट चेस करेगी। अब आगे बात करते हैं मेलबर्न स्टार का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो सीजन का मोस्ट फेज में स्ट्रगल करने के बाद मेलबर्न स्टार ने लगातार 2 जीत की। ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 15 रन से और पर्थ स्कोचर के खिलाफ 33 रन से। बैटिंग में मैग लेगनिंग जो 11 इनिंग में 28.40 की एवरेज से 284 रन बनाए, वहीं एलिस कैप्स 11 इनिंग में 21.76 की एवरेज से 283 रन बनाए। स्टार्स के लिए इस सीजन में सबसे बेस्ट बैटर हैं। लेगनिंग पिछले 2 मैचों से बाहर हैं, यह क्लियर नहीं है कि वो लास्ट लीग मैच में पार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लास्ट गेम में ओपनर बैटर सोफिया डंकलेन 48 गेंदों में 73 रनों की तूफानी इनिंग खेल कर प्रूव किया था, उनसे एक और बेस्ट इनिंग की उम्मीद है। बॉलिंग यूनिट में बात करें तो टीम ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए सोफी डे, किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी और सासा मोलोनी पर डिपेंड है। लास्ट मैच में बाहर की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सोडी डे मेलबर्न स्टार के लिए बेस्ट बॉलर थी। उन्होंने अपने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उनकी बॉलिंग मेन 2 प्लेयर के इर्द गिर्द घूमती रही। सोफी डे 13 इनिंग में 12 की एवरेज से 27 विकेट लिए थे। एनाबेल सदरलैंड ने 13 इनिंग में 14.91 की एवरेज से 23 विकेट लिए, तो वे बेस्ट परफॉर्मर है और एक के बाद सीजन के स्टार के लिए सबसे गुड रहे हैं। आगे बात करते हैं मेलबर्न स्टार का की प्लेयर देखते हैं, जहां पे सोफिया डंकले, मैक लेगनिंग, एलिप्स कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड। तो मेलबर्न रेनेगेड्स पूर्वालोकन मेलबर्न रेनेगेड्स अपने पिछले 5 मैचों में से 4 हार चुकी है। इसके अलावा सीजन में 13 मैचों में से सिर्फ 2 जीत हासिल की है। यह एक वेरी बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। इस साल रेनेगेड्स के लिए चमकते सितारों में से एक हरमनप्रीत कौर है। ये एक्सपीरियंस इंडियन बैटर जो 13 इनिंग में 29 की एवरेज से 106 स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए। जॉर्जिया वेयरहैम भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 इनिंग में 32.77 की एवरेज से और 134 की स्ट्राइक से 295 रन बनाए। वेयरहैम ने अपनी लेग स्पिन से 12 विकेट लिए थे। क्रिकेट के लिए ओपनर बैटर टैमी ब्यूमेंट और हेले मैथ्यू इनिंग के स्टार्ट करना जारी रखेंगे। ब्यूमेंट ने 121.39 के स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए। मैथ्यू ने इस सीजन में बॉल से शानदार परफॉर्म किया। रेनेगेड के प्रमुख विकेट लेने वाले बॉलर्स ने 7.72 की इकोनॉमिक्स से 12 विकेट लिए। उन्होंने बैट से 224 रन बनाए। लास्ट 2 मैच में मैथ्यू ने बैट से 75 रन बनाए। बॉलिंग में सारा कोइटे, हेले मैथ्यूज पर सारी जिम्मेदारी होगी। दोनों ने बड़ा बड़ा विकेट लिए हैं। मैथ्यूज का बैट से खराब परफॉर्मेंस रहा, लेकिन वह अपने ऑफ ब्रेक से ओपोनेंट को टारगेट कर सकती है। अब मेलबर्न रेनेगेड की प्लेयर्स की बात करें, जहां पे हेले मैथ्यू जो कप्तान है, टैमी ब्यूमेंट, हरमनप्रीत कौर और जॉर्जिया वेयरहैम। दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बात करते हैं विनर की हो। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का विनर मेलबर्न स्टार होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।